ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे बंधुजनों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा इम्पोर्टेंट उपाय जिसको करने पर आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट सकती है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में एक से बढ़कर एक महाशक्तिशाली बहुत अच्छे अच्छे उपाय दिए गए हैं। विश्वास से और मन से अगर आप उपाय करेंगे तो कभी भी कोई उपाय खाली नहीं जाता। हमारे पास बहुत सारे भक्तों के कमेंट आते हैं कि शास्त्री जी, हमारे घर में पैसा नहीं टिकता, तो आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिसको करने से पैसा हमारे घर में आए और हमेशा पैसा हमारे घर में टिक करके रहे। तो प्यारे बंधुजनों, आज का जो ये एपिसोड है ये आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एपिसोड को स्किप कर दिया तो कोई ना कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस जरूर होगी। तो प्यारे बंधुजनों, चलिए अब देवी भगवती को प्रणाम करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूँ आप सभी भक्तों के सम्मुख एक नए विषय के साथ। अक्सर हमारे घर पर छिपकली आती है और कई लोगों के कमेंट आते हैं कि शास्त्री जी, हमारे घर पर तो आठ आठ दस दस छिपकली रहती हैं और शाम के टाइम दीवार पर या फर्श पर छिपकली ऐसे ही इधर उधर दौड़ती रहती है। तो छिपकली को जो है लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है, अर्थात जिन घरों में छिपकली ज्यादा आती है उन घरों के ऊपर लक्ष्मी माता की विशेष कृपा मानी जाती है, ऐसे हमारे शास्त्रों का कथन है। छिपकली को कभी भी चप्पल से झाड़ू से नहीं भगाना चाहिए। ऐसा करने से बहुत भारी और बहुत बड़ा दोष लगता है और लक्ष्मी भी रूठ करके घर से जाने लगती है। साथियों, अब मैं आपको बताने वाला हूं वह दिव्य उपाय जो आप करने के बाद अपनी पैसे से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये उपाय आपने बुधवार की शाम को स्टार्ट करना है। शाम के टाइम जिस समय आपको अपने घर की दीवार पर छिपकली दिखाई दे तो आपने उसको देख करके बोलना है कि हे लक्ष्मी माता, आप मेरे घर में हमेशा सिर रूप में निवास करो, मुझे कभी भी आपकी कमी का अनुभव ना हो। हे लक्ष्मी माता, आप मेरे घर में स्थिर रूप में निवास करो, मुझे कभी भी आपकी कमी का अनुभव ना हो। हे लक्ष्मी माता, आप मेरे घर में स्थिर रूप में निवास करो, मुझे कभी भी आपकी कमी का अनुभव ना हो। ऐसा आपने 3 बार बोलना है। बुधवार को इस उपाय को करने के बाद अगली बार आपने उपाय शुक्रवार को करना है, फिर रविवार को। ऐसे ही बुधवार, शुक्रवार और रविवार लगातार आपने इस उपाय को 11 बार दोहराना है। यानी कि तीन तीन का जो ये सेट है ये 11 बार आपने दोहराना है और माता रानी की कृपा से देखते ही देखते आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, चाहे पैसे की है, चाहे विदेश गमन की है, चाहे पारिवारिक सुख शांति की है, कोई भी मनोकामना आपकी है तो वह इस उपाय को करते करते ही आपकी पूर्ण होने लगेगी। तो आशा करता हूं जानकारी समझ में आ गई होगी। तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता।